देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। सिद्धार्थनगर जनपद के रियल हीरो माने जाने वाले बांसी के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार जी हैं। जी हां, आपने सही सुना। नगवा बांध पर डडिया और भगौता गांव के बीचों बीच बीती रात करीब 3 बजे तक एसडीएम प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों के सहयोग से अथक प्रयास किया कि बांध न कटे, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। बाढ़ का पानी ने आखिरकार बांध को काट ही दिया, परंतु एसडीएम प्रमोद कुमार ने हार नहीं मानी। बताते चला कि जिले के तमाम अधिकारी सुबह से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर राहतों बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं नदियों के जलस्तर भयंकर रूप ले लिया। बांसी तहसील क्षेत्र के सुपा से अशोकवा नगवा बांध पर डडिया व भगवतापुर गांव के बीचों बीच बांध बीती रात लगभग 3 बजे कट जाने के कारण तमाम गांव प्रभावित हो गए। बांध कटने से तमाम एक घर गिर भी गया। वहीं बलुआ नगवा खमरिया गेनवरिया तारा गुजरौलिया मरचा चमरताल कोडरी बियरा बढ़ई उर्फ मिश्रौलिया घरारा नवैला सतवाड़ी चांदे गड़िया नारायणपुर सहित कुल लगभग 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिस पर प्रशासन द्वारा 35 गांव को मैरुंड घोषित किया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी बांसी प्रमोद कुमार ने निर्देश दिया कि राहत एवं बचाव कार्य में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन गांव में पानी भरा है उन गांव की विशेष निगरानी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम फ्लड पीएसी टीम मदद से कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित या उनके परिवार को कोई दिक्कत न होने पावे, इसका राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारीगण विशेष ध्यान रखें। राहत शिविरों में उनके भोजन की समय समय पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। लोग स्वयं के बचाव के लिए सर्पदंश को लेकर जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्पदंश काफी बड़े हुए हैं। उपजिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मुकम्मल व्यवस्था निरंतर बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने राहत शिविरों बाढ़ चौकियों पर मेडिकल टीम मुस्तैद किया। मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निरंतर भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों की देखभाल करते रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आशा एवं आशा संगिनी तैनात हैं, वे अपने गांव में ध्यान रखें कि यदि किसी गर्भवती महिला को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाना है तो उन्हें अस्पताल भेजकर तत्काल सुविधा मुहैया कराएं। इस दौरान उपजिलाधिकारी बांसी प्रमोद कुमार, तहसीलदार बांसी संजीव दीक्षित, खंड विकास अधिकारी बांसी आनंद कुमार गुप्त द्वारा बाढ़ पीड़ितों में लंच पैकेट वितरित किया जा रहा है, तो वहीं उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार डोर टू डोर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित कार्यवाही के आदेश दे रहे हैं। देखें खास रिपोर्ट, इंडिया पावर न्यूज के लिए सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट। वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।